पोहा चूड़ा की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे आप अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो लेकर आसानी से जा सकते हैं। ये हेल्दी भी होता है और काफी लंबे समय तक चलता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं मेरे स्टाइल में। इसके लिए हमें चाहिए पोहा 250 ग्राम, हाफ कटोरी मूंगफली, रोस्टेड चना दाल हाफ कटोरी, काजू टुकड़ों में कर लिया है हमने, बादाम टुकड़े कर लिए, किशमिश, कड़ी पत्ता, हरा मिर्च, चीनी पिसा हुआ, जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, राई। कढ़ाई हमने गरम कर लिया है, इसमें तेल नहीं डालेंगे और पोहा डाल देंगे। इसे डालकर हम भुनेंगे 7 से 8 मिनट के लिए। भुनते भुनते क्रिस्पी हो चुका है। अब देखिए इसे, देखिए कितना अच्छा आवाज आने लगा है इसमें से। तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे कढ़ाई से निकाल लेंगे बाहर। हमने कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है, उसमें हम मूंगफली को डाल देंगे। मूंगफली को हम भून लेंगे। मूंगफली में देखिए आवाज आना शुरू हो गया है, चटकने लगा है। तेल में डालते ही मूंगफली अच्छे से चटकना शुरू हो जाता है। अब हम रोस्टेड दाल डाल देंगे, चने का दाल है ये, इसे भी भूनेंगे साथ में। पोहे को 2 तरीके से बनाया जाता है। एक पोहे को फ्राई करके बनाते हैं हम, उसमें थोड़ा तेल ज्यादा लगता है, और एक ये तरीका है जिसे हमने रोस्ट कर लिया पहले पोहे को, और उसके बाद फिर हम ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं उसे फ्राई करके और बनाते हैं। दोनों ही तरीके में टेस्ट अच्छा आता है। अब हम बादाम डाल देंगे, बादाम को भी भूनेंगे, साथ में हम काजू भी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के डाल सकते हैं। बादाम और काजू हल्का गुलाबी हो जाए फिर हम इसमें मिर्ची डालेंगे। गैस के फ्लेम को लो कर लेंगे। लगातार चलाते रहेंगे, जले नहीं। अब हम मिर्ची डाल देंगे जिसे हमने स्लिट कर लिया है। थोड़ा सा जीरा डाल लेंगे। मैंने बीच में कढ़ाई में जगह बनाया, उसके बाद फिर जीरा डाला है ताकि जीरा भी अच्छे से चटक जाए। कड़ी पत्ता डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बेसिकली हम भूनते हैं इसलिए है कि सारे मॉइस्चर खत्म हो जाए
और 10-15 दिन भी रखे अगर तो ख़राब ना हो, इसलिए थोड़ा भूनना पड़ता है। थोड़ा सा सेंटर में हम जगह बनाएंगे और राई भी डाल देंगे। राई से भी खुशबू अच्छी आती है, टेस्ट भी बढ़ जाता है उससे। अब हम किशमिश डाल देंगे। किशमिश को हम लास्ट में डाला हमने इसलिए कि वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जल्दी जलने के चांसेस होते हैं, इसलिए किशमिश को लास्ट में ही डालना ठीक रहता है। ये सारे अच्छे से भून चुके हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे। हल्दी टेस्ट और कलर दोनों के लिए ही है, हमने ज़्यादा नहीं डाला, हल्का कलर आता है तो अच्छा लगता है देखने में। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। ये हो चुका है, अब हम इसमें पोहा मिक्स कर लेंगे। हम पोहा मिक्स कर लेंगे, पोहा बहुत क्रंची हो गया है। इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा खटाई पसंद नहीं है इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ उसको, अदरवाइज खट्टा मीठा बनाने के लिए हम उसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, ये बन गया है। गैस के फ्लेम को हम बंद कर लेंगे और फिर चीनी मिक्स कर देंगे। गैस के फ्लेम को हमने इसलिए बंद किया क्योंकि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाता है अगर गर्म में जाता है तो, इसलिए बंद करके थोड़ा थोड़ा ठंडा होने के बाद भी डालना चाहिए। ये हो चुका है, देखिए आवाज से भी लग रहा है कितना क्रंची है, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये घर का बना हुआ चूड़ा। पैकेट में बना हुआ चूड़ा जो मार्केट में मिलता है वो कब का बना हुआ होता है, कितने दिन पुराना होता है पता नहीं, इसलिए हमें घर में बनाना चाहिए इसे। ये बन गया है, अब हम इसे सर्व करते हैं। चूड़ा द एवरग्रीन मंचिंग स्नैक्स रेडी है। इसे बनाना बहुत आसान है और बहुत टेस्टी होता है ये। इसे आप अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए।